हल्द्वानी में बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और हरीश रावत को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी 18 अप्रैल को एक विशाल जनसभा की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार अपने कारणों से कैसे शहीद हुई। जनपद हरिद्वार और हल्द्वानी इन पर बड़ी विशाल सभाएं करके जन जागरण के अभियान का शुभारंभ कर रही और ये बताएंगे कि ये कांग्रेस की सरकार अपनों के कारण किस तरह से शहीद हुई या गिर गई। हरक सिंह रावत ने स्टिंग ऑपरेशन को लेकर हरीश रावत पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत विधायकों की बोली लगा रहे थे, इससे मैं अचरज में हूं। उन्होंने साफ कहा कि हमने हरीश रावत के खिलाफ बोलने का दम दिखाया, लेकिन और मंत्री ऐसे हैं जो हरीश रावत से नाराज हैं। भाजपा के दलित एजेंडे से घबराई कांग्रेस ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष शिशु उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी की सरकारों में दलितों के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, इसलिए इनकी कोशिशें बेअसर हैं। बीजेपी नेता रविंद्र जुगान ने देहरादून में 2013 से निर्माणाधीन 3 फ्लाईओवर को तत्काल बंद करने की मांग की। जुगान का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत हाईकोर्ट में भी की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीद फरोख्त करते हुए कैमरे में कैद हुए हरीश रावत ने पहले देश के सामने राज्य के लोगों का सिर नीचे करा और अब उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में पानी का संकट है। विधानसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता, बोले जिले में पंपिंग योजनाओं के लिए बजट दिया गया, समय पर कार्य पूरा न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मसूरी में रकवा डैम परियोजना का निरीक्षण किया और उसको जल्दी बनाने के लिए केंद्र सरकार से बात करने की भी बात कही। वहीं सीएम खट्टर के निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव उमाकांत पवार सहित दर्जनों उच्च अधिकारी वहां मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट पर सीएम खट्टर को परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उत्तराखंड में फर्जी डिग्री के बलबूते नौकरी करने वाले शिक्षकों को खुलासा हुआ है। पौड़ी में 82 से ज्यादा शिक्षक फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं। खुलासा होने पर शिक्षा सचिव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से राहत की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। उनके स्थान पर नई नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वहीं माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने नेताओं पर कोरा आश्वासन देने का आरोप लगाया। रुद्रपुर में डकैतों से हार मान चुका पुलिस बल अब मदद के लिए मीडिया और पुलिस से गुहार लगा रहा है। एसएसपी ने लूट के खुलासे के लिए आम जनता और मीडिया से मदद की गुहार लगाई। रुड़की में राशन डीलर प्रशासन से बेखौफ होकर चावल और गेहूं के 50 कट्टों को बाजार में बेचने जा रहा था, तभी तहसील प्रशासन के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ छापा मारा। कार्रवाई से राशन माफियाओं में हड़कंप है। देहरादून में वीवीआईपी इलाके सालावाला और कैंट मार्ग पर चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने पीड़ित परिवारों से ही लिखा कि उनके यहां कोई चीज चोरी नहीं हुई। पुलिस की कार्यप्रणाली से स्थानीय लोग भयभीत हैं। रुद्रप्रयाग में पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में ज्यादातर वार्ड में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ गई है। लोगों का मीलों चलकर पानी लाना अब काफी कष्टकारी हो रहा है। प्रशासन भी मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। उत्तरकाशी में गोमुख तपोवन जैसे हिमालयी क्षेत्रों का रुख नहीं कर पा रहे। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। ऐसे में टैंकिंग व्यवसायियों को पार्क में प्रवेश की अनुमति मांगी जा रही है। विकासनगर में प्रशासन ने खनन माफियाओं के दर्जनों वाहनों को सीज करते हुए लाखों रुपए की राजस्व वसूली की है। विकासनगर में लोगों ने पूर्व की हरीश रावत सरकार की मिलीभगत से माफिया राज की बात कही। रुड़की के कुख्यात चीनू पंडित ने अपने घर बुलाकर एक कारोबारी के साथ जमकर मारपीट की और लाखों की रंगदारी मांगी। पीड़ित परिवार और कारोबारी का परिवार जैसे जैसे जान बचाकर सिविल लाइन कोतवाली पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। रुड़की के रामपुर गांव में खेत पर काम करने गए किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया। किसान की मौके पर मौत हो गई। गुलदार ने अब तक 3 किसानों को अपना निवाला बना लिया है। वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ अब ग्रामीण उतर आए हैं। देहरादून में प्रशासन की मिलीभगत से जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी ताऊ जी की जमीन को लेकर उसके पड़ोसियों ने नगर निगम के साथ मिलकर पहले फर्जी प्रमाण पत्र बनाया और अब उसमें अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। विकास नगर में मौसमी बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते कुंजा ग्रांड गांव में 11 बच्चे चिकन पॉक्स की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 32 बच्चों की एलर्जी की चपेट में आने की खबर है। लालकोट कोतवाली के बिंदु खत्ता क्षेत्र के श्रीलंका टापू गांव में गोविंद सिंह दुष्ट ने किए गौशाला में अचानक आग लग जाने से
आठ पशु आग की चपेट में आ गए जिसमें तीन पशुओं की जलकर मौत हो गई। रामनगर में कॉपर टाइगर रिजर्व में जंगल धू धू करके चल रहे हैं। बिजदानी कारागढ़ सपुतली रेंज में कई दिनों से जंगल जल रहे हैं लेकिन प्रशासन के दावे इस बार भी हवाई साबित हुए। रुद्रप्रयाग में जंगलों की आग का खतरा बढ़ाया जा रहा है। रतौली बाईपास और बेलड़ी बॉर्डर के ठीक सामने पिछले दो दिनों से पहाड़ियों पर आग लगी हुई है जिससे बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिर गए हैं। वहीं वन महकमा इस ओर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। उत्तरकाशी में 40 गांव के ग्रामीणों का बेमियादी धरना 100वें दिन भी जारी है। तीन सूत्री मांगों को लेकर बंचौरा मुख्य चौराहे पर दे रहे हैं धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला मुख्य पुल का उसकी सुरक्षा राम भरोसे है। जल विद्युत निगम के एक उपनल सुरक्षाकर्मी के भरोसे छोड़ी गई सुरक्षा की व्यवस्था। तस्करों के लिए माकूल बना है ये पुल, नहीं ली जा रही कोई सुध। 2013 की आपदा में केदारनाथ में जमींदोज हुए आदि शंकराचार्य की समाधि के जीर्णोद्वार कराने की कवायद अब शुरू हो गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके शिष्यों ने देहरादून पहुंचकर राज्यपाल डॉक्टर के.के. पॉल से मुलाकात की।